सनसनी ऑफ इंडिया। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने यमुनापार में घर में चारी की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग की महिलाएं ट्रांस यमुना क्षेत्र की कॉलोनियों में नौकरानी के रूप में काम करने की आड़ में पैसे वाले घरों पर नजर रखकर गैंग के पुरुष साथियों को ठिकाने की जानकारी देती थी। गिरोह के सदस्य बंद घरों को भी निशाना बनाते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए गैंग का सरगना फ्लाइट से दिल्ली से बेंगलुरु फरार हो रहा था। पुलिस ने IGI एयरपोर्ट पर गो एयर की फ्लाइट को रुकवाकर कुख्यात बदमाश को दबाच लिया। बदमाश के कारण 15 मिनट की देरी से फ्लाइट उड़ पाई। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों व 2 रिसीवरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान गिरोह सरगना शहादत खान व सुभान उर्फ सोनू, साहिन व रिसीवर विजय कुमार व जावेद अली के रूप में हुई है। दिनांक 17 नवंबर 2021 को अशोक कुमार पुत्र ज्ञानचंद ने थाना जगतपुरी में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका पूरा परिवार बेटी की सगाई के लिए गया हुआ था। पीछे से किसी ने उनके बंद मकान का ताला तोड़कर 5 लाख की नकद राशि और जेवर चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने तुरंत ही FIR संख्या 570/21 अंडर सेक्शन 380/457/34 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। इलाके में हो रही ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों ने दिल्ली पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने व चोरों को दबोचने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। पहली टीम ACP ऑपरेशन मोहिंदर सिंह की सुपरविजन और स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में SI विनीत प्रशांत शर्मा, ASI वेद प्रकाश, कृष्णपाल, हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी, देवेंद्र, कांस्टेबल नितिन, कुलदीप, सर्वेश, राजेश, जगमोहन और विपिन की बनाई गई। दूसरी टीम का गठन ACP गांधीनगर सुश्री चंद्रकांता की सुपरविजन और जगतपुरी थाना SHOCL मीना के नेतृत्व में किया गया। जांच टीमों ने टेक्निकल एंगल से काम करते हुए घटना स्थलों से टेक्निकल डेटा कलेक्ट करके बारीकी से एनालाइज किया। जांच के दौरान 200 से अधिक संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। सस्पेक्ट 200 लोगों में से कुछ को जीरो डाउन करके उनके ऊपर बराबर नजर रखी। जांच में टीम को कुछ इंडिस्पेंसिबल क्लूज मिले जिससे आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने और चोरी के मामले को सुलझाने में मदद मिली। दिनांक 9 दिसंबर 2021 को टेक्निकल सर्वेलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से 32 वर्षीय सुभान खान उर्फ सोनू नामक एक चोर को दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात और नकद पैसा बरामद हुआ। शुरू में आरोपी किसी भी प्रकार की वारदात में शामिल होने से इनकार करता रहा, लेकिन जब टेक्निकल एविडेंस और उपलब्ध CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट स्वीकार कर ली। इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी सुभान खान ने बताया कि उसने शहादत, अरशद और साहिन के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसने आगे बताया कि उनके गैंग ने ट्रांस यमुना एरिया में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपी सुभान खान की निशानदेही पर पुलिस टीम ने अन्य चोरों को दबोचने के लिए जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान टीम आरोपी शाहदर के E44 झुगी सीमापुरी स्थित ठिकाने पर गई, जहां वह नहीं मिला। टीम को जानकारी मिली कि उसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बेंगलो के लिए हवाई टिकट बुक किया था और 1 या 2 घंटे में दिल्ली से निकल जाएगा। टीम इमीडिएटली IGI हवाई अड्डे की ओर दौड़ी। जांच टीम ने IGI एयरपोर्ट पुलिस की मदद ली और शहादत की फ्लाइट के बारे में पता लगाया। फ्लाइट का पता चलने पर पुलिस ने एयरलाइंस के अधिकारियों से बात करके फ्लाइट को रुकवा लिया। टीम ने बदमाश को जाल में फंसाने के लिए सामान की जांच का बहाना बनाकर एयरपोर्ट पर बदमाश के नाम की घोषणा भी करवाई, लेकिन बदमाश सामने नहीं आया। आखिर में घोषणा करवाई गई कि फ्लाइट 1 मिनट में उड़ने वाली है। एकदम से बदमाश सामने आ गया और जहाज की ओर भागने लगा। पुलिस ने तभी उसे दबोच लिया। इंटेरोगेशन के दौरान शहादत ने खुलासा किया कि वो एक शातिर चोर है और उसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में बर्गलरी के 18 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसने आगे बताया कि मार्च 2021 में जमानत पर बाहर होने के बाद से नियमित रूप से चोरी कर रहा है। शहादत की निशानदेही पर उसके घर से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, भारी मात्रा में चोरी के गहने, नकदी, घर तोड़ने के इक्विपमेंट और अन्य सामान बरामद किया गया। उसने आगे खुलासा किया कि उसका एक सहयोगी गाजियाबाद निवासी साहिन पुत्र शाह आलम अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए रोजाना झिलमिल कॉलोनी आता है। टीम ने जाल बिछाकर आरोपी साहिन को भी दबोच लिया। आरोपी साहिन ने कबूल किया कि वो अपराध में शामिल है और एक शातिर चोर है। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी साहिन अब तक 24 से अधिक चोरी और अन्य क्रिमिनल वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा यह भी पता चला कि आरोपी शहादत और साहिन पर यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 1986 में मामला दर्ज किया था। गैंग का चौथा साथी अरशद फरार है। अरशद को भी दबोचने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है।
गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर नाइट लोकेशंस की मैपिंग करने से पता कि इनकी गैंग ने अप्रैल 2021 से अब तक शाहदरा इलाके में 42 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। गैंग का भंडाफोड़ होने से थाना जगतपुरी के 2, थाना सीमापुरी के 14, थाना आनंद विहार के 5, थाना कृष्णा नगर के 6, थाना शाहदरा के 5, थाना विवेक विहार के 5, थाना एमएस पार्क के 2, थाना गांधीनगर और थाना मंडावली का एक एक मामला सुलझ गया है। गैंग लीडर E44/476 नई सीमापुरी निवासी आरोपी शाहदा खान पुत्र अब्दुल हकीम बांग्लादेश का रहने वाला है। यह एक शातिर चोर है और इसने दिल्ली और यूपी में चोरी की 18 वारदातों को अंजाम दे रखा है। यह 30 मार्च 2021 को जमानत पर बाहर आया था। यह दर्जी का काम करता है। इसकी पत्नी सलमा भी बांग्लादेशी निवासी है और उसका पासपोर्ट वर्ष 2020 से समाप्त हो गया है। वो घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। दूसरी तरफ उसका भारतीय आधार कार्ड भी मिला। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आरोपी सुभान उर्फ सोनू पुत्र शमसूर खान सीमापुरी का रहने वाला है। यह पहले नैनीताल उत्तराखंड में चोरी और सेंधमारी के एक मामले में शामिल था। यह कड़कड़दुमा आनंद विहार के ग्रीनवे स्कूल में पेशे से ड्राइवर था। इसने कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। इसके बाद वह कूड़ा बीनने वाला बन गया, साथ ही गैंग में शामिल होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। आरोपी साहिन पुत्र शाह आलम झिलमिल कॉलोनी शाहदरा का रहने वाला है। यह कूड़ा बीनने वाला है। यह पहले दिल्ली और गाजियाबाद में चोरी, हथियार अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के 24 मामलों में शामिल पाया गया था। अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल इसी की है। इसकी पत्नी झिलमिल कॉलोनी के घरों में नौकरानी का काम करती है। आरोपी जावेद अली पुत्र मोहम्मद मुस्तफा F15 नई सीमापुरी दिल्ली का रहने वाला है। यह एक कचरा बीनने वाला है और यह चोरी का सामान भी खरीदता है। आरोपी विजय कुमार उर्फ गुड्डू 118 DDA फ्लैट्स न्यू सीमापुरी का रहने वाला और पेशे से एक दुकानदार है। वो पहले पेशे से ज्वेलर था, लेकिन वर्तमान में वो शहीद नगर गाजियाबाद में खिलौनों की दुकान चला रहा है। वो गाजियाबाद यूपी में चोरी की संपत्ति के खरीदने के 11 मामलों में शामिल था। गैंग की महिलाएं ट्रांस यमुना क्षेत्र की कॉलोनियों में नौकरानी के रूप में काम करने की आड़ में पैसे वाले घरों पर नजर रखकर गैंग के पुरुष साथियों को ठिकाने की जानकारी देती थी। गिरोह के सदस्य बंद घरों को भी निशाना बनाते थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।